हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना एमडी आसिफ यूपी वाला स्वागत करता हूं एक नए ब्लॉग और एक नए सफ़र में। तो दोस्तों, सियाब भाई का शाम का अपडेट लेकर आ गया हूं आप सभी के साथ। तो अभी वो हैं लिस्कारा ही पैलेस में हैं। तो यहां पर बाबा जी अकेले बैठे थे, तो सोचा मैं इसका ब्लॉग बाबा जी के ही साथ शूट किया जाए। तो बाबा जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र। कुछ कहना चाहते हैं हमारे पब्लिक से? पब्लिक से बहुत, पब्लिक का बहुत अच्छा साथ है। अच्छा, और वो साथ दे रही, बहुत अच्छी दे रही, तो अल्लाह का शुक्र है कि साहब भाई साथ चल रहे हैं। ये भी अल्लाह ने एक जरिया बना दिया, नहीं कौन कहाँ मिलता किसको। नहीं, सही बात, अल्लाह ने एक जरिया बना दिया। जो नहीं मिलने को होते कि जिंदगी में नहीं सोचा था, वो लोग मिल रहे हैं। सही बात है, समझ लेना मेरी बात। ये तो सब अल्लाह का करम है। सही बात, और अल्लाह ताला इनको जल्दी से जल्दी इनका सफ़र आसान करे। परवरदिगार इन्हें मदीना मुनव्वरा दिखाए, ज़ियारत कराए, ज़ियारत कराए। सही बात है, और हमें भी हम सब। सियाब भाई देखिए, अभी यही सी पैलेस में रुके हैं। कौन सा पैलेस है? लिस्कारा पैलेस। लिस्कारा पैलेस है। विलेज, विलेज अगर मैं पंजाबी में बोलना चाहूँगा तो आप पंजाबी में समझ नहीं पाओगे। मैं तो बोलता हूँ, ये गांव पड़ता है, वीडन गांव पड़ता है। अच्छा, वीडन गांव से केवल आधा किलोमीटर जो है ये पैलेस है। अच्छा, वहाँ पर सियाब भाई का मुकाम है। तो अभी शाम को बजने वाले हैं 7। सियाब भाई अभी यहाँ से नहीं निकले हैं। अगर यहाँ से निकलते हैं तो आप सभी लोगों को उनका अपडेट मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और 10,000 की फैमिली होने वाली है, तो आप सभी लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एक एक सब्सक्राइब किया तो हमारे चैनल पे 10,000 की फैमिली हो जाएगी। तो आप सभी लोग बने रहें वीडियो में। अगर सियाब भाई यहाँ से निकलते हैं तो आप सभी को उनका लोकेशन का वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। जब चलूंगा मक्का से मीना की जानिब मैं, मेरे हर कदम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूपी में कौन सी जगह चलेगा भाई? ये डिस्ट्रिक्ट चंदौली वालों, आपका बहुत बहुत वेलकम, मुबारक आपको भी और हम सबको भी। आज सियाब भाई के लिए, हाँ, आज हम लोगों के बीच में एक ऐसी हस्ती है सियाब भाई, जो कि केरला से चल के पैदल 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 पूरे सफ़र करते हुए पंजाब के एक छोटा सा गांव है सरायनागा, ये वो बस्ती है, वो गांव है जहाँ पे सियाब भाई की वजह से ऐसी रौनक लगी है। जो कि आप सबसे भी दुआ है कि गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह इस पंजाब को एक बार फिर दीन का चमन बना दे। सियाब भाई की कुर्बानी, उसके माँ बाप को सलाम। ऐसी बड़ी कुर्बानी देके वो लोग चले हुए हैं अपने साथ में, कैसे कैसे मंजर में से गुजर के आए, बंजर इलाके, आबाद इलाके, बेआबाद इलाके, नाले नदियाँ, जंगलों में से रात को 2-2 बजे। और अल्लाह का करम के सियाब भाई की मोहब्बत अल्लाह ने ऐसी डाल दी लोगों के दिलों में, मुसलमान तो मुसलमान पंजाब के गैर भी आधी आधी रात को सड़कों पे इनके लिए कोई शरबत लिए खड़ा, कोई पानी लिए खड़ा, कोई देखने के लिए खड़ा है। ईमान वालों के साथ साथ गैर लोग भी, अल्लाह इनको भी ईमान की हिदायत दे। पूरे पंजाब में हम यहाँ से बॉर्डर से लेके अपने अबोहर से लेके अमृतसर के बॉर्डर तक, हम लोग खुद, हमारे पास आज इतवार को आए हैं, हम पिछले सोमवार से इनके पीछे लगे हुए हैं। देखो कैसे पब्लिक के अंदर एक शौक है, रौनक है लगी हुई। अल्लाह पाक हमारा सबका ये मेहनत करना कबूल फरमाए, ठीक है जी। सो दोस्तों, रात को होने वाले हैं 8। सियाब भाई उसी लिस्कारा पैलेस में रुके हुए हैं, वहाँ से अभी तक कोई निकलने का कंफर्म नहीं है। तो देखते हैं, अगर निकलते हैं तो उनके काफिले के साथ जुड़ जाते हैं, नहीं तो हम आ गए हैं यहाँ डाबा पे, जो जिस पैलेस में रुके हैं उस पैलेस से 5 किलोमीटर आगे है, उसी रास्ते पर, जिस रास्ते से वो आगे बढ़ेंगे उसी रास्ते पर 5 किलोमीटर आगे है। अगर वहाँ से निकलेंगे तो रास्ते में मुलाकात हो जाएगी, अगर नहीं निकलेंगे तो यही ढाबे पे आज रात को सोया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में यही अपडेट रहेगा, वीडियो में यहीं तक अपडेट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हमारा ख्याल रखिए। धन्यवाद, गुड नाइट।